हेलो एवरीवन दोस्तों हेलो नमस्ते सत श्रीकाल जी इन दिस वीडियो व्हाट एग्जी विल बी कवरिंग क्योंकि जी बहुत दोस्तों की क्वेरी सी गुड इवनिंग अमन जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग रमेश जी ठीक है आप बुक्स के बारे भी जानकारी देंगे ठीक है बट uh, एक चीज़ सी कि बहुत ही दोस्तों की एक क्वेरी थी कि सर कॉन्टेंट कि प्रिपेयर किया जाए नंबर टू जब भी आपटेंट की गल करते हैं ठीक है उस कॉन्टेंट exactly मतलब के रिगार्डिंग वॉट एग्जैक्टली शुड बी द डिवीजन ऑफ कॉन्टेंट डिवीजन मतलब कि वॉट इम्पोर्टेंस हैज टू बी गिवन टू द लॉ पार्ट प्लस अगर आप रीजनिंग या लॉजिकल पार्ट की गल करते हैं मैंटल एबिलिटी रीजनिंग प्लस जी के वाला पार्ट ठीक है एंड इन दिस वीडियो आई आइल बी सॉर्टिंग दैट ठीक है एनी टैक्स बुक फॉर जी के कवल जी देखो इदा है फॉर जी के यू कैन गो थ्रू एनी बुक ठीक है ना जी के इज लाइक मतलब एक तरह का सी है समंदर है तु कोई भी चाहे लूसेंट की बेसिक बुक गो थ्रू कर सकते हो ठीक है बट यू हैव टू बी वेरी मच आपको एक चीज़ थॉट रहना चाहिए है कि टाइम समा घट है आप कवरअप कि करा उस कॉन्टेंट नाइट ओके okay, सिमर जी सत श्रीकाल जी सत्या ठीक है नाउ वट वी डू एज दिस इज़ द वीडियो फॉर डिवीजन ऑफ टाइम टेबल मतलब अपना फर्स्ट थॉट की होना चाहिए है हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द कॉन्टेंट आपको उस कॉन्टेंट न थ्रू किमें करना चाहिए है अपने मेजर तीन सैगमेंट्स है ठीक है देर आर मेजरली थ्री सेगमेंट्स फॉर दिस एग्जामीनेशन ठीक है दसागा मेजर तीन क्यों ने बिकॉज वी हैव टू डिवाइड अ डे इन टू थ्री सेगमेंट्स अगर आप इस डिविजन पहले ही सोच समझ चलांगे के चलवा कि दिस हैज टू बी कवर्ड फॉर द कमिंग एग्जामीनेशन अपने लिए उन्ना ही बैटर है फॉर द प्रिपरेशन पार्ट ठीक है एंड कई दोस्तों का एक क्वेरी बहुत आ रहा है कि सर जी के आर जो पार्ट है मैटल एबिलिटी या रीजनिंग कितना कवर होएगी फ सो वी हैव अ सल्यूशन फॉर इट देखो जिना भी कॉन्टेंट है ना वॉट विल विल डूइंग एक तो लॉ पार्ट कवर करा आप मेन बैच के रिगार्डिंग आप कवर करवावे ठीक है दूसरा पार्ट मैटल एबिलिटी रीजनिंग एंड एवरीथिंग बी विल बी कवर्ड मैं पहले वीडियो भी बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर रहा कि वी आर स्टार्टिंग विद अ बैच फॉर ए डी ए फ्रॉम सिक्सटींथ इन विच अपने जो पांच मेजर सब्जैक्ट्स है तो डिफरेंट स्टेट्स भी बहुत हेल्प मिलेगी प्लस जो जी के पार्ट है मैटल एबिलिटीज़ है रीजनिंग है सारा कॉन्टेंट कवर करवाया जाएगा ठीक है नाउ कमिंग टू द मुद्दा ऑफ दिस वीडियो कि आप एग्जैक्टली वीडियो स्टार्ट क्यों करी आप चीज़ को डिसाइड करना है ठीक है डिसाइड की करना है जी नंबर वन फैक्टर जो है क्वेरीज जो बहुत ज्यादा आ रही हैं इट इज़ विद रिगार्ड टू ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी क्वेश्चन एंड एटी मार्क्स ठीक है कि अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर है विद रिगार्ड टू दिस हंड्रेड क्वेश्चन इन विच इट कैरीज फोर हंड्रेड मार्क्स ठीक है एंड एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैं क्लियर कर रहे हैं जी द लेवल ऑफ एग्जामीनेशन विल बी एट पार विद जुडिशरी ठीक है पर क्यों बट कुछ ऐसे एरिए हो गए इस पर्टिकुलर एग्जामीनेशन के लिए जो कि जुडिशरी कवर नहीं किए जाते दैट हैज टू भी कवर्ड फॉर एडी एग्जामीनेशन ठीक है सो so एग्जैक्टली exactly, अपना जो डे है वॉट यू हैव टू डू एज पार्ट ए ते फोकस रखना है दिस हैज फोर हंड्रेड मार्क्स ठीक है सॉरी इट हैज़ टू बी हंड्रेड क्वेश्चन फोर हंड्रेड मार्क्स दिस हैज टू बी ट्वेंटी क्वेश्चन एंड एटी मार्क्स राइट ठीक है ए डिविजन क्लियर है बट देखो वेन वी गो थ्रू द सिलेबस सिलेबस पार्ट पार्टी है सिलेबस पार्ट पार्टी आप चीज़ मिस आउट करा जो आप रेगुलर रूटीन नहीं कवर करते दैट इज़ वॉट दिस ओवरऑल पार्ट नॉर्मली की होंगे है जी वी डोंट कवर दिस पार्ट बट ट्रस्ट मी एडीए के एग्जामीनेशन के रिगार्डिंग यू विल बी स्कोरिंग एट पार विद अदर स्टूडेंट्स कि ठीक है यू हैव कवर्ड द लॉ कॉन्टेंट तुम थोड़ा जहा अपनी मेहनत करके यू स्कोर गुड बट कितना जो कमी रह जाती है इट इज़ विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर एरिया ठीक है नो no डाउट भी मेहनत करनी है बट एक चीज़ का ध्यान रखियो कि कितना ना ए वाला एरिया वीक ना रह जाए ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखियो सो वॉट आई वॉन्ट इज डिवाइड योर डे इन थ्री पार्ट्स ठीक है डिवाइड योर डे इन थ्री पार्ट्स बिल्कुल अमन जी ट्वेंटी मार्क्स नॉट ट्वेंटी मार्क्स इट इज ट्वेंटी क्वेश्चन एंड एटी मार्क्स ठीक है दैट विल बी अ गेम चेंजर एग्जैक्टली ठीक है बट लॉ का भी बहुत ध्यान रखना है वॉट यू डू इज लॉ दे रिगार्डिंग वॉट मिनिमम अप्रोच इज रिक्वायर्ड मिनिमम यू नीड टू गो फॉर थ्री टू फोर आवर्स एवरी डे इफ आई टॉक अबाउट लॉ पार्ट ठीक है बट वॉट यू डो इज अं करते हैं जी वी डिवाइड अ डे इन टू टू असी एवलपुरी एरिया एक साइड त रख दें ठीक है बट दिस इज नॉट द एप्ट वे बिकॉज वेन यू कीप इट एट पार विद लॉ उस केस होगा जी जी के कवर नहीं हो पाएगी डिवाइड यू डे इन टू थ्री पार्ट थ्री पार्टी होगा वन पार्ट मेजर पार्ट हैज टू बी योर लॉ एरिया ठीक है अदर वन हैज टू बी जी के एरिया मिनीम फोर्टी फाइव मिनट्स एवरी डे एवरी डे ठीक है वायसो बिकॉज जीके एक ऐसा कॉन्टेंट है विच यू कॉन्ट कवर इन द सिंगल डे और टू डेज और फाइव डेज अगर अज तो आपबिट क्रिएट करा दैट वी हैव टू रीड द कॉन्टेंट क्योंकि यू नैवर नो कि जीके जो पार्ट आएगा इट इज़ फाइव डेज ओल्ड और इट इज़ वन ईयर ओल्ड ठीक है कॉन्टेंट कैन बी आर्स फ्रॉम एनी वेयर बट द पॉइंट इज अगर आप बेसिक हैबिट जो है डे वन तो फॉलो करा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ठीक है अपने स्कोर अच्छा आएगा दैन कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डे इट इज़ योर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ठीक है तो इस पर्टीकुलर वीडियो का बेनिफिट यह है जी आई वॉन्टेड टू क्लियर वन थिंग कि देखो वॉट यू हैव टू डू एस आदर वे यू कैन डू दिस थिंग या फिर यू गो फॉर दिस टू पार्ट एवरी डे यू कैन कीप इट फॉर वीकेंड्स हियर ठीक है जी के तुम रोज़ गो थ्रू कर रहे हो एक बार एंड यू कैन कीप दिस कॉन्टेंट फॉर योर वीकेंड पार्ट के ठीक है यू टेक अ ब्रेक फॉर वन टू डेज

प्रिपेशन के लिए कितना टाइम है अकॉर्डिंग टू यू इट हैज टू बी अराउंड समवेयर अराउंड वन एंड हाफ टू टू मंथ्स मिनिमम अमन जी इट हैज टू भी सम वेयर अराउंड देर एट सफिशेंट होंगे जी बट फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन थर्टी फोर ऑफ आई पी सी सेक्शन वन फोर्टी नाइन सेक्शन टू नाइनटी नाइन सेक्शन थ्री हंड्रेड इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हैज टू बी रेड हैज टू बी रेड मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए है इफ दे आर द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट क्योंकि जी एडीए पंजाब के देर आर फ्यू क्वेश्चन चार पाँच क्वेश्चन ऐसे होंगे मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स दैट मीनस वो जो कॉन्टेंट है इट इज़ नॉट फ्रॉम अ सिंगल सेक्शन इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट सैक्शनस एंड दे वॉन्ट डेप्थ नॉलेज फॉर दो टॉपिक्स ठीक है तो कुछ टॉपिक्स के लिए आप बहुत इन डेप्थ भी जावे जी इफ आई टॉक अबाउट आई पी सी में एग्जाम्पल जी मैं लिते ठीक है ना इफ आई टॉक अबाउट थ्री वन नाइन थ्री ट्वेंटी ऑफ आई पी सी इनडेप है हाउस ब्रेकिंग है ट्रेसपास है इन डेप्थ है ये टॉपिक्स तो नॉर्मली क्वेश्चन आन गए नाउ इफ आई टॉक अबाउट वन ट्वेंटी कैपिटल ए नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है नॉट ओनली के वन ट्वेंटी कैपिटल ए का रिगार्डिंग डील कर रहा है पनिशमेंट भी आ सकता है पनिशमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट वैन इट वॉज एडिड इट वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कोड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बट गो फॉर लॉजिकल पार्ट ऑलसो क्योंकि क्वेश्चन आपजिक्स के बेसते भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक्ट तो नहीं बनेगी यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दैट इंपॉर्टेंट एरियाज जिदे रिगार्डिंग आपलेज होनी चाहिए है इट इज़ रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामीनेशन राइट तो दोस्तों जिनी भी अपनी प्रैपरेशन है प्रैक्टिकल नहीं जी प्रैक्टिकल नहीं एज अथॉरली डायरक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आन ठीक है इट इज़ कॉल्ड एज फैक्चुअल बेस्ड फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए बट प्रैक्टिकल वैन भी से डिवीजनस नहीं हो ठीक है जी दोस्तो हाँ तो दोस्तों इन्होंने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पेगा कि हाउ द कॉन्टेंट हैज़ टू बी कवर्ड अगेन आई रिपीट अगर थोड़ा तो किसी भी तरह की कलैरिफिकेसन है या कोई प्रॉब्लम है एट वेरी अफोर्डेबल फीस लाइक अदर कोर्सिज वी आर प्रोवाइडिंग फॉर ईडीए ऑलसो एंड ईडीए ली वॉट वी आर डूइंग इज बिकॉज इन डेप्थ कॉन्टेंट हैज़ टू बी कवर्ड फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मोर ऑर लैस थोड़ी थोड़ी जी मेन साइड पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अदर एग्जामिनेशन ऑलसो एट वेरी अफोर्डेबल फीस तो आप ई डीए दिल वी आर लॉन्चिंग अ बैच ऑन सिक्सटीन इफ यू विश टू जॉइन यू विल बी गेटिंग मैनी बेनिफिट्स यू विल बी गैटिंग द कॉन्टेंट अपना बेरट्स कवर होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होएगी केस लॉस कवर किए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर इनिशियल फ्यू स्टूडेंट्स देर इज़ अ वेरी बिग डिस्काउंट गोइंग ऑन प्लस इस बैच दि इफ आई टॉक अबाउट ई डी ए पंजाब बैच टेस्ट सीरीज विल बी कवर्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यूपीए पी ओ दिस इज द फर्स्ट बैच आफ्टर दैट जिहे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री इन दिस बैच नो एक्सट्रा चार्जेस फॉर द टेस्ट सीरीज पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बैच इफ यू वॉन्ट टू अवेल द बेनिफिट बैच जॉइन कर सकते हो जी सिक्सटीन बैच स्टार्ट होएगा मॉर्निंग क्लासिज इट विल स्टार्ट शार्प एट सेवन एवरीडे राइट ठीक है इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑफिसर्स जो मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है यू विल गेट योर आंसर्स ठीक है एंड दोस्तों विद रिगार्ड टू बेस्ट बुक फॉर एम सी क्यूज़ रामेश जी देखो एडीए के अक्सर एक चीज़ देखी गई है देर आर लैस रेपीटेटिव क्वेश्चन रेपीटेटिव क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखाएंगे यू कैन रेफर एनी बुक फॉर प्रैक्टिस बिकॉज देर विल बी नो रेपीशन रादर फोकस ऑन कॉन्टेंट ठीक है तुम कॉन्टेंट पर फोकस करो एम सी सीरीज़ लगा सकते हो वी आर वी हैव ऑलरेडीडी स्टार्टिड पोस्टेड द लिंक फॉर एमसी क्यूज टैस फॉर ईडीए बैच उसका बेनीफिट यह होगा कवर द कॉन्टेंट टेस्ट योर नॉलेज कवर द कॉन्टेंट फॉर सेकेंड सब्जैक्ट टेस योर नॉलेज दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू राइट ठीक है जी तो दोस्तों पंजाबी जुडिशरी का जो आप पूछ रहे हो कि पंजाब जुडिश नोटिफिकेशन कदों आएगा जी देखो एज सुन एज वी गेट सम इन्फॉर्मेसन असी नाल दाल पोस्ट कर देंगे दैट दिस इज द नोटिफिकेशन एंड वेन इज द डेट एक्सपेक्टेड फॉर द एग्जामे राइट फिलहाल वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट हाँ येस बिकॉज हरियाणा मीनस बहुत नज़दीक है ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट तो यू कैन एक्सपेक्ट के पंजाब जुडिशीज नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है राइट right? ठीक है जी तो दोस्तों अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो द वे आई सैड के अपने जो डे नॉपर वे नविजन स्टार्ट करो सो दैट यू कैन कवर द कॉन्टेंट इन अ प्लैंड एंड अ वाइज मैनर ठीक है एंड अगर किसी भी चीज रिगार्डिंग यू हैव एनी डाउट और यू वॉन्ट टू कवर द कॉन्टेंट रिगार्डिंग द एडी ए बैच यू कैन ज्वाइन द क्लासेस राइट एंड मोर ओवर वी आर कमिंग अप विद गुड सेशन फॉर ईडी पंजाब इन विच वी विल भी कमिंग अप विद द कॉन्टेंट पार्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन ठीक है अटेंड करो जी इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जामीनेशन राइट ठीक है एंड दोस्तों मोटिवेन दे जी आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन लाइक द वीडियो एंड अगर तुम्हें तो कॉन्टेंट अच्छा लगता है जी चैनल पर यू कैन जस्ट हिट योर यू कैन सबसक्राइब द चैनल एंड हिट लाइक बटन प्लस बैलाइकिन क्लिक करना ना भुल्यो बिकॉज वेन एवर वी पोस्ट द वीडियोजूद रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा जल्द राइट थैंक्स अलॉट धन्यवाद जी राइट right, धनबाद